हे गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं शिमला का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा अपने शिमला के प्यारे प्यारे फर बेबीज़ को ज़रा पानी दे के देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। तो मैंने इनके लिए एक टब भरकर पानी रख दिया एंड मुझे पता नहीं था कि ये शिमला के बेबीज़ को ज़रा भी पानी से गीला होना पसंद नहीं है। नहाने में भी आनाकानी करते हैं बट जैसे तैसे नहा लेते हैं, बट पानी के साथ खेलना तो भाई इनको ज़रा भी मंजूर नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, इनको ट्रीट्स का लालच दिया, सब कुछ दिया कि चलो थोड़ा खेल लेंगे, बट नहीं, बिल्कुल भी पानी के आसपास नहीं भटके ये लोग, और अगर आई भी तो ट्रीट्स खा के दौड़ गए। ये है पिदी महाशय और ये मेरा सबसे प्यारा प्यारा शेर गुगू बुगू है, जो रियल लाइफ टेडी बेयर होते हैं ना, ये वैसा है। वेरी क्यूट, वेरी सिंपल, वेरी भोला भाला। ये है गोल्डन, ये थोड़ी सी स्लाई है और ये सबको डोमिनेट करना चाहती है और खाने के लिए बहुत 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 मोटिवेटेड है। शी शेयर्स हर डीएनए विद हर नानी। बड़ी कोशिश की बट मेरा प्लान फेल हो गया, तो मैंने बोला ये जो बाकी के ट्रीट्स हैं ये भी खा लो और मज़े कर लो, और इसके बाद ये दोनों सीधे अंदर गए और सो गए। देखो गोल्डन इज लाइक वाटर, हेल नो, कैसे टेढ़े-टेढ़े देख रही है पानी को। फिर बारी आई छोटी जूजी की, वैसे इसका नाम जूजी है बट हम इसको प्यार से जूजू जूजी सब कुछ बोलते हैं, और मच टू माय सरप्राइज इसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया पानी को। मतलब उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो थी कि ये क्या है और क्यों है, बट शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो जूजू मैडम तो अपना ही कुछ गेम में व्यस्त थी, तो मैंने बोला चलो थोड़ी देर इसको रहने देती हूँ बाहर। और अगर आप सोच रहे हो कि इन तीनों को मैं साथ क्यों नहीं लाई, क्योंकि बड़े वाले डॉगीज इसकी एनर्जी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए तीनों को साथ नहीं लाई। और फिर मम्मी मैंने बैठ के वाटरमेलन एंजॉय किया जब तक जूजी अपनी कारिस्तानियों में लगी थी, और फिर मैंने जूजी को थोड़ा सा वाटरमेलन ऑफर किया बट शी डिड नॉट वांट टू ईट, शी वांटेड टू प्ले। फिर मैंने उसको एक नई गेम दिखाई कि देख बॉल फ्लोट करती है वाटर में, तो पहले तो उसे समझ नहीं आया बहुत देर की ये क्या हो रहा है, उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा बॉल को पकड़ने की कोशिश करना शुरू किया एंड टर्न्स आउट ये इसकी फेवरेट गेम थी। चलो किसी ने तो खेला, नहीं तो मुझे लगा मेरा आइडिया फ्लॉप है। जूजू वाटरमेलन खा ले, वैसे इसे वाटरमेलन पसंद है बट अभी खेलने में बहुत व्यस्त है तो इसलिए इसने वाटरमेलन खाया नहीं, और ये इस टाइम अपने फेवरेट रोप टॉय से खेल रही है, इसके बिना इसका प्ले टाइम कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि थी बहुत ज़्यादा गर्मी, हमने ले ली थोड़ी सी आइसक्रीम और जूजू ने ये देखकर खेलना मिलना सब बंद कर दिया और अच्छे बच्चे की तरह बैठ गई एक जगह कि बस अब मेरे को तो तुम स्वीट ट्रीट दे ही दो। यम्मी। फिर मैंने दी जूजू को थोड़ी सी स्वीट ट्रीट और मैंने जूजू के भाई बहन को भी अंदर जाके दी थोड़ी सी आइसक्रीम, और इन तीनों ने काफ़ी इन्जॉय की। उसके बाद जूजू आके बैठ गई टेबल पर, ये इसकी फेवरेट सीट है, ये अक्सर यहाँ पे बैठती है एंड आई डोंट नो व्हाट शी वाज स्निफिंग ऑन द वॉल बट यप, अब अच्छे बच्चे की तरह पोज करके बैठ गई है।
इधर से बैठ के ही सबको देखती है जो रोड पे आता जाता, सब सब देखती है, सबको ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे जूजू कर रही है थोड़ी सी बर्ड वॉचिंग। और इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है और जूजू आपको बोलती है थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हियर सम मोर वीडियोस दैट आई थिंक यू विल लव एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe. I'll catch you next time.